Hey everyone, my name is Aditya and welcome back for another video. So guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ क्लोथिंग एंड फुटवेयर आइटम शेयर करूंगा जो मैंने परचेस किए हैं Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स। So guys, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है एंड Amazon पे भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है एंड इसके टाइम पे आपको काफी सही सही ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। जो भी मैंने क्लोथ्स एंड फुटवेयर परचेस किए हैं उन पे मुझे काफी सही डिस्काउंट मिला है एंड मेरे काफी सारे पैसे भी बचे, बिकॉज अगर मैं विदाउट सेल इन प्रोडक्ट्स को परचेस करता तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स मुझे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट अभी मुझे बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं पड़े, मेरे बजट रेंज के अंदर ये प्रोडक्ट मिल चुके हैं मुझे, बिकॉज इस सेल पे बहुत तगड़े तगड़े डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है, ये क्लोथिंग आइटम फुटवेयर आइटम जो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो आपको सबके लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। सेल अभी लाइव है तो अगर आप जाके इन्हें परचेस करेंगे तो आपको भी वो सारे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे जिन डिस्काउंट पर मैंने इन्हें परचेस किया है एंड सेल खत्म होने के बाद अगर आप परचेस करेंगे तो इनकी रेट काफी ज्यादा मिलेगी। तो अभी सेल चल रही है, राइट टाइम है परचेस करने के लिए, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन सारे प्रोडक्ट्स के, आपको अगर जो जो पसंद आता है आप सारी जाके परचेस कर सकते हैं उन लिंक्स। तो वे स्टार्ट करते हैं, मेरी जो लिस्ट है वो फुटवेयर आइटम से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैंने एक ही परचेस किए हैं शूज, बट वो जो परचेस किए काफी अच्छी क्वालिटी के परचेस किए हैं। तो मैंने जो शूज परचेस किए हैं वो प्यूमा की तरफ से परचेस किए हैं मैंने एंड ये वाले जो शूज है मुझे लगता है कि ये थोड़े से रफ एंड टफ शूज हैं, मतलब आप इन्हें नॉर्मल कैजुअली तो आप इन्हें ड्रेस कर ही सकते हैं, बट ये थोड़ी स्पोर्टी सी वाइब भी देते हैं। जो शूज है किसी भी आउटफिट के ऊपर चल जाएंगे एंड आप जिन्हें जब जब इन्हें पहनेंगे तब तभी आपके ऊपर अच्छे लगेंगे एंड इनकी जो क्वालिटी है ऑब्वियसली वो भी काफी अच्छी है, बिकॉज ये प्यूमा की तरफ से एंड प्यूमा के आप लोगों को पता है कि शूज फुटवेयर के अंदर काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं एंड लकीली ये सेल के अंदर मैंने, वैसे तो आपको पता है प्यूमा के जो शूज है काफी एक्सपेंसिव होते हैं, बट सेल के अंदर मुझे काफी सही प्राइस पर मिल चुके हैं ये वाले जो शूज हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इन शूज का, आपको परचेस करने हो तो, बिकॉज ये वाले जो शूज आपको सेल के अंदर बहुत सही प्राइस पे मिल रहे हैं, सेल खत्म होने के बाद इनका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो अभी टाइम है, डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर लेना, ये वाले शूज काफी अच्छी क्वालिटी के हैं प्यूमा की तरफ से। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लोथिंग के ऊपर। क्लोथिंग के अंदर फर्स्ट आइटम जो है वो है चीनोज। अब दो कलर की मैंने परचेस की, एक ब्लैक कलर की है एंड एक थोड़ी सी ग्रे कलर की चीनोज है। अब चीनोज जिन लोगों को नहीं पता हो, अगर आपको ज्यादा फॉर्मल कपड़े पहनना पसंद है, आपको थोड़ा कैजुअल से भी थोड़ा ऊपर उठ के आना है कि जो ज्यादा कैजुअल भी ना लगे एंड ज्यादा फॉर्मल भी ना लगे, तो आप चीनोज ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये एकदम मिड में आती है उन चीज के, फॉर्मल और कैजुअल के। तो आप अगर इन्हें पहनते हैं सेमी फॉर्मल टाइप का, आप इन्हें कह सकते हैं कि आपको प्रॉपरली फॉर्मल वाला लुक तो नहीं मिलेगा एकदम, बट फॉर्मल से कम भी लुक नहीं मिलेगा, तो ये आप सेमी फॉर्मल लुक कह सकते हैं। चीनोज काफी सही होते हैं, काफी सारे आउटफिट्स में आप इन्हें कैजुअली भी ड्रेस कर सकते हैं, आप इन्हें फॉर्मली भी ड्रेस कर सकते हैं, यही सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है इनका। इनके साथ आप अलग अलग तरीके के आउटफिट्स बना सकते हैं अगर आप चीनोज, अगर आपके पास चीनोज होंगे तो आपको पता होगा मैंने ये वाले परचेस किए बिकॉज मुझे बजट रेंज के अंदर एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए थे। ऑब्वियसली ये सेल की वजह से हुआ है, सेल में प्राइस डाउन गया इनका, दैट्स व्हाई ये मेरे बजट में फिट हो पाए हैं। अगर आपको सेमी फॉर्मल में कुछ चाहिए तो आप चीनोज डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, इनका जो लिंक है बेस्ट बाय डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसपे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। नेक्स्ट जो आइटम मेरी क्लोथिंग लिस्ट के अंदर वो है एक सॉलिड ब्लैक जीन्स। अभी वाली जो जीन्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ब्लैक जीन्स अगर आपके पास नहीं है तो होनी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ के ऊपर चल जाती है, मतलब आप कुछ भी पहन लो उसके ऊपर ये अच्छी ही लगेगी एंड अगर आपके पास नहीं है तो यार आप क्या कर रहे हो। ब्लैक जीन्स इज़ द नेसेसरी, आपके वार्डरोब के अंदर सबसे नेसेसरी आइटम ब्लैक जीन्स ही होता है इन माय ओपिनियन, तो आपके पास होनी ही चाहिए। ये वाली मैंने परचेस किया। ब्लैक जीन्स भी ऐसी है कि बहुत सी ऐसी होती है ना कि आप लाते हैं पहनते, एक दो बार वॉश करते हैं एंड उनका कलर फेड हो जाता है। तो महंगी वाली आप लाते हैं, आपको लगता है एक दो वॉश के अंदर ही उनका कलर चला गया है, अब ये मेरी किसी काम की नहीं है। तो ये वाली जो जीन्स मैंने परचेस की, ये बजट में तो आती है बट आप इसे वॉश करेंगे तब इसका कलर फेड नहीं होता है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज ये मैंने सेकंड थर्ड टाइम परचेस की है ये वाली जो जीन्स है। इससे पहले भी मैं ये वाली जीन्स यूज़ कर चुका हूँ, तो उसका कलर नहीं निकलता है एक दो वॉश से, मतलब आराम से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं एंड ये काफ़ी टाइम तक अपना कलर मेंटेन करके रखती है, ये बजट के अंदर भी आती है। तो ये वाली जो जीन्स है इसकी सारी चीज़ आपको अगर परचेस करनी हो, बेस्ट बाय लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक और जीन्स मैंने परचेस की है वो है एक नॉर्मल ब्लू डेनिम जीन्स। अब ये वाली होनी चाहिए, ऑब्वियसली आपको अलग अलग आउटफिट्स बनाने हैं तो आपके पास एक डेनिम जीन्स भी होनी चाहिए,
बिकॉज ब्लैक के ऊपर आप ऑब्वियसली काफी सारे आउटफिट्स बना सकते हो, बट आपको अगर थोड़ा चेंज चाहिए तो आपके पास एक डेनिम होनी चाहिए। तो ये वाली मैंने परचेस की है, पहले भी परचेस कर चुका हूँ मैं, एंड मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी थी उसकी, काफ़ी अच्छी फिटिंग लगी थी, दैट्स व्हाई मैंने सेकंड टाइम इसे परचेस किया है। एंड मुझे इसने डिसअपॉइंट नहीं किया, पुरानी वाली भी अभी तक चल रही है, उसका कोई कलर वगैरह फेड नहीं हुआ है। एंड ये वाला जो मैंने कलर स्पेसिफिकली परचेस किया है, इससे आप बहुत सारे आउटफिट्स के ऊपर मैच करा सकते हैं, मतलब आप जो भी आउटफिट पहनोगे उसके ऊपर ये ऑब्वियसली चल ही जाएगी, दैट्स व्हाई मैंने ये वाला परचेस किया है। अगेन आपको ये वाला चाहिए हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने परचेस की है वो किए हैं शर्ट्स। अब शर्ट्स के अंदर भी फर्स्ट वाला जो है ये आपको थोड़ा चेक्स वाला मैंने वाला शर्ट परचेस किया है। ये वाला जो शर्ट है ये मैंने इसीलिए परचेस किया है बिकॉज इसको आप नॉर्मली जब पहनेंगे तब तो अच्छा लगता ही है, बट इसका एक वर्सेटाइल लुक भी आएगा, बिकॉज मैं काफी बार क्या करता हूँ कि मैं चीजों को लेयर करना पसंद, वाइज मैं एक व्हाइट टी शर्ट पहन लेता हूँ, उसके ऊपर मैं इसे लेयर कर लेता हूँ, इसके बटन ओपन रखता हूँ, एंड उससे जो लुक निकल के आता है वो नेक्स्ट लेवल आता है। मतलब इस एक शर्ट से आप दो चीज का काम कर सकते हैं, एक तो सिंपल आप शर्ट का काम कर सकते हैं, एंड एक आप इसे एक लेयरिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। एक और शर्ट मैंने परचेस किया है वो सेम बेसिस के लिए किया है जो पहले वाले के लिए किया था, लेयरिंग के हिसाब से एंड नॉर्मल पहनने के लिए, तो वो ये वाला है। अब ये वाला जो कलर है इसका जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे लगता है वो भी काफ़ी सही तरीके से काम करेगा, लेयरिंग के हिसाब से भी एंड नॉर्मल शर्ट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा काम करेगा, बिकॉज इसका जो ब्लू एंड ब्लैक वाला जो कलर है ये आप सिंपली पहनेंगे, इसके अंदर आप वाइट टी शर्ट लेयर कर सकते हैं, ब्लैक पहन सकते हैं, एंड लेयरिंग के लिए एकदम सही काम आएगा, अभी सर्दियाँ भी आने वाली है उस हिसाब से, एंड नॉर्मल अगर आप शर्ट पहनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का शर्ट है। तो ये दोनों ही जो शर्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके परचेस करना, बिकॉज वहाँ पे ही आपको बेस्ट बाय लिंक मिलेगा इनका, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस वाला जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन्हीं शर्ट का, एंड आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शर्ट मैंने परचेस किया है वो है ये वाइट शर्ट, बट इसके अंदर थोड़ी सी आपको लाइनिंग वाला पैटर्न मिल जाता है। अब ये वाला मुझे लगता है कि नॉर्मल वाइट शर्ट से थोड़ा सा अलग है, बिकॉज नॉर्मल वाइट शर्ट तो आप कहीं भी पहन सकते हैं, बट ये वाला जो है ये आप अगर स्पेसिफिकली कहीं पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं वहाँ अगर आप इन्हें पहनेंगे तो आपके ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आएगा, बिकॉज ये आपको मतलब ऑब्वियसली इसको देख के लग रहा है कि ये थोड़ा पार्टी वेयर टाइप का शर्ट है, तो दैट्स व्हाई मैंने वाला परचेस किया है। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, काफ़ी बजट रेंज के अंदर मिल जाएगा ये वाला जो शर्ट है, ओवरऑल मस्ट बाय है मेरी तरफ से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस अब हम आ चुके हैं फाइनल आइटम पे, वो है एक डेनिम शर्ट। अब डेनिम शर्ट ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, आप इन्हें सिंपली भी ड्रेस कर सकते हैं, आप इन्हें लेयरिंग पर्पज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आप सही टाइम पे इसे सही तरीके से पहने तो ये एज अ थोड़ा सा डेनिम जैकेट की तरह से भी काम कर जाता है, बिकॉज ये ऑब्वियसली डेनिम जैकेट आपको ठंड में भी काम आते हैं, बट अभी जब जैसे सर्दी चालू हुई है थोड़ी थोड़ी उस टाइम पे आप इसे लेयरिंग के हिसाब से पहन सकते हैं, अंदर टी शर्ट डाल लीजिए उसके ऊपर इसे पहन लीजिए, एंड आप कहीं पे भी जाइए, पार्टी में जा रहे हैं, कैजुअली जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप इसे पहन सकते हैं, अच्छा लगता है, ये काफ़ी वर्सेटाइल होता है, दैट्स व्हाई मैंने परचेस किया है। एंड जो क्वालिटी मुझे मिली है इस शर्ट की काफ़ी सही मिली है, तो आपको परचेस करना हो तो लिंक बेस्ट बाय आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँ। सो गाइस ये थे सारे क्लोज एंड फुटवेयर आइटम जो मैंने अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से ऑर्डर किए हैं, ऑब्वियसली काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले हैं मुझे ये वाले प्रोडक्ट, बिकॉज सेल अभी लाइव है, बट जैसे सेल खत्म हो जाएगी तो इनके ऊपर से जो डिस्काउंट है वो आपको उतने डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं ये वाले प्रोडक्ट, तो आपको चेकआउट करने चाहिए। अगर आपको अभी कपड़े परचेस करने हैं तो ये एकदम राइट टाइम है, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, तो सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस वाले, तो आप जब जैसे ही उन लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको सबसे सही प्राइस के अंदर मिल जाएंगे ये वाले प्रोडक्ट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे ही प्रोडक्ट्स के, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं मेंस हेयर ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना बनता है, साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना ताकि आपकी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना हो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन कीप स्टाइलिंग एंड रॉक।